तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये मन्नू और मैं लेटे हैं, मन्नू मस्ती कर रहा है इस समय। हम लोग ये सो के उठाए ना अभी, तो हम लोग प्रिया के घर जाएंगे आज, और मुझे अपनी वैक्सीन भी लगवानी है, इनकी और मेरी लगेगी, तो वहाँ भी जाएंगे। तो कह रहे हैं मन्नू से 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया, 10 से 11 के बीच में आके वैक्सीन लगवाएं। तो ये मन्नू हो रहे हैं तैयार, मैं भी निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी काम। और ये देखिए कैसे तैयार हो रहा, क्या बोल रहा है। बुआ के जाएगा, चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं बना रही हूँ फटाफट गोभी आलू बनाए दे रही हूँ। गोभी मैंने एक सीटी लगा ली थी, गोभी आलू में नमक डाल के एक सीटी लगा ली है खाली। और उसके बाद मैं इसे सब्जी मसाले में और प्याज में फ्राई कर दूँगी। तो इस तरह से भी गोभी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समय भी बचता है इससे और टेस्ट भी बरकरार रहता है। सब्जी फूल वगैरह गोभी के फूल ना इसमें टूटते हुए नहीं हैं, साबुत रहते हैं। तो ये मैंने लहसुन ले लिया है कुचल के, थोड़ा सा, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और सूखी मिर्च पिसी हुई जो होती लाल मिर्च, वो भी ले ली है। तो ये सब मैं अब इसमें डालूँगी मसाला और थोड़ी देर इस मसाले को भूनूँगी। और आप लोगों को पता है कि गोभी जो है कुछ लोग दसे का भी बना के खाते हैं, आप लोग खाते हैं ग्रेवी वाला गोभी? जैसे पतली करी के अंडा करी होती है, मटन करी होती है, ऐसी गोभी की भी करी होती है। तो गोभी भी इसी तरीके से बनाया जाता है पतला करके, लेकिन उसका मसाला हमेशा पीस के बनाते हैं, प्याज को, लहसुन को, अदरक को पीस के तब बनाते हैं, मसाला तैयार करते हैं और उसमें बनाते हैं। तो वो हल्का सा उसमें रसा रहता है, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। मुझे तो वैसे ख़ास तौर पर रसे वाला ही गोभी पसंद है, लेकिन ये लोग नहीं खाते तो मैं इनके लिए कढ़ाई का सूखा गोभी बनाती हूँ, तो वही बना रही हूँ। इसे पूरी से भी खा लेते हैं और फुलका, पराठे, जो भी लगाना चाहें वो लगा के दे दीजिए, वो सब लोग बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ इन लोगों के लिए। और कुकर में मैंने एक अंडा उबलने धरा है, वो मैं इसलिए उबाल रही हूँ अम्मा के लिए, उनका जी कर रहा है अंडा खाने के लिए उबला हुआ, तो मैं उन्हें दूँगी, अंडे की जर्दी नहीं दूँगी, खाली अंडा दूँगी। और साथ में चाय गर्म कर रही हूँ। सवेरे का समय बड़ा भागता हुआ समय होता है, तो इस समय वैसे भी हमें 9:30-10 बजे तक प्रिया के घर पहुँचना है, तो जल्दी काम निपटा रही हूँ। तो ये देखिए मेरी मसाला भून के लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा सा और भूनूंगी मैं इसको, और उसके बाद इसमें कुकर खोल के सब्जी जो मैंने बॉईल की है वो डाल दूंगी मैं इसमें, और थोड़ी देर फ्राई करूंगी और धनिया डाल के फिर उसे उतार लूंगी। बहुत अच्छी सब्जी बनती है ऐसे भी, कभी कभी ऐसे ही बना लेते हैं जब समय की कमी होती है। तो वैसे ज़्यादातर हम इसमें कच्ची सब्जी डाल के ही मसाले में बनाते हैं, लेकिन जब समय कम होता है तो हल्की सी बॉयल्ड कर लेते हैं कुकर में ना, हाफ सीटी या एक सीटी लगा के थोड़ी देर गर्म पानी में। तो वैसे भी देखिए गोभी डालते हैं, कीड़े होते हैं ना उसमें, ज़रा सा नमक के गर्म पानी में डाल दो तो अगर कोई कीड़ा अंदर हो तो वो निकल आता है। तो पहले तो खोलते हुए पानी में गोभी डाल देते हैं, उसके बाद उसको चटनी में छान के धो के और फिर डालते हैं। लेकिन अब मैंने जो है पानी में खोला के और फिर इसमें कुकर में बिना पानी के रख के गोभी और आलू और नमक डाल के रख दिया था, एक सीटी लगा ली है और अभी उसे खोला नहीं है। खोलने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, मसाला लगभग तैयार हो गया है। देखिए गोभी की सीटी निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर देखिए कोई भी सब्ज़ी आप उबालते हैं और अगर पहले खोल देते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें रह जाता है, कम रह जाता है, तो वो नहीं रहना चाहिए। ये देखिए मेरा गोभी बिल्कुल तैयार है, थोड़ी देर फ्राई करूँगी तो ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो मसाले में थोड़ा सा फ्राई करने की वजह से मैंने बस इसमें एक सीटी लगा के और लगा के रख दिया था बस, उसके बाद ये उतार लिया है। और अब मैं इसमें मसाले में ही इसे डालूंगी गोभी को, और उसके बाद मेरा गोभी बनके हो जाएगा तैयार। सवेरे सवेरे का समय भागता हुआ है तो इसलिए जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने शिवांगी को उठा दिया, मैंने कि तुम जाके मन्नू को तैयार करो, खुद तैयार हो लाओ, तब तक मैं गोभी बना देती हूँ। शिवांगी आके फुलके लगा लेगी या पराठे सेक लेगी, तैयार होके आएगी, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। और ये मैंने गोभी डाल दिया है अब इसमें। देखिए गोभी इस तरह से बनाएंगे तो समय की बचत होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या जॉब वगैरह करते हैं वो लोग इस तरह से बनाएं ना, तो इस तरीके से बनाने से उन्हें ये फ़ायदा होता है, समय बच जाता है और सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादातर इस तरीके से बनाने से ना सब्ज़ी जो है बिल्कुल जैसी सब्ज़ी होती है वैसी रहती है, घुटती नहीं है। और कभी कभी पता आजकल गोभी ऐसा आ रहा है ना कि ज़्यादा देर अगर उसे बॉइल करते रहो ना, मसाले में डाल कर उबालो
तो वो थोड़ा सा घुट जाता है उसमें, पता नहीं चलता आलू कहाँ गोभी कहाँ। तो ये मेरी गोभी की सब्ज़ी देखिए, बस मैंने भी हल्के से फ्राई की है, तकरीबन मैंने 4-5 मिनट इसको फ्राई किया है। स्लो गैस पे करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाती हूँ। और मैं इसमें अब डालूँगी हरा धनिया, हरा धनिया ना डालो तो सब्ज़ी बेकार है गोभी की। गोभी और मटन और चिकन के साथ ख़ास तौर से धनिया का रिलेशन है, तो बिना धनिया के इन चीज़ों में कोई स्वाद नहीं आता है। देखिए टेस्ट जो है वो अधूरा रह जाता है, तो इसलिए अब हम डालेंगे इसमें धनिया। और धनिया मैं इसमें ऊपर से ही इसी के ऊपर काट के रख रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने कटोरी में नहीं काटा, क्योंकि धनिया के ना आजकल वो पूरे पेड़ दे के जा रहे हैं, तो उस पेड़ को साफ़ करके और टंकी के पानी में धो लो उसको, तो बड़ा बढ़िया धनिया हो जाता है, फिर हाथ में लेके काट दो। देखिए धनिया की जो डंडल होते हैं ना, डंठल जिसने कहते हो, जो डंडी सी होती है धनिया की, डंडी बोलते हैं शायद आप लोग, तो उन डंडियों को तोड़ के नहीं फेंकना चाहिए, उसमें बहुत कुछ होता है जो हम लोगों को बहुत फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैं तो वही डालती हूँ, आप लोग पत्ते पत्ते डालते हैं, डंडी नहीं डालते तो आप गलत करते हैं। तो डंडियाँ भी ज़रूर काट दीजिए इसमें, अगर किसी को अच्छी नहीं लगती हैं तो 5 मिनट पहले ही जब सब्ज़ी भूनते हैं उस समय डाल दीजिए, दिखाई नहीं देंगी। पत्ते पत्ते बाद में डाल दीजिए जो दिखाई देंगे। ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। गरम मसाला मैंने इसमें बाद में डाला था, क्योंकि गरम मसाला अगर पहले से डाल देती हूँ तो ये लोहे की कढ़ाई है ना, फिर सारी सब्ज़ी काली हो जाती है, इस वजह से मैं इसमें बाद में डालती हूँ। और ये देखिए मैं थोड़े से जब तल वो कर रही हूँ, इस पर सेक रही हूँ ना, तवे पे भून रही हूँ मैं इनको। तो भूनने के बाद मैं इनको दूध में डाल दूँगी, थोड़ी देर पकाऊँगी और वो मैं अम्मा को दे दूँगी अंडा और जवे खाने के लिए। मीठे जवे बनाए दे रही हूँ मैं उनके लिए, आजकल वो रोटी वगैरह ना कम खाती हैं, पता नहीं क्यों, भूख उनकी पहले तो बहुत भूख पड़ गई थी लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है, तो खाती नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब ये खा लेंगे और एक अंडा बॉयल करा हुआ खा लेंगे। तो ये मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ। और देखिए मैं आपको गोभी दिखाती हूँ, मेरी गोभी हो गई है देखिए तैयार, ये है देखिए इस तरह से। और चलिए देखिए अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, ये मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए गर्मी के मतलब से मैंने पतली सी साड़ी पहन ली है, और अब हम लोग जा रहे हैं प्रिया के यहाँ। तो उसके बाद अगली सीढ़ी में आप, अगली वीडियो में सीढ़ी कह रही हूँ, वीडियो में देखेंगे आप लोग आगे का, कैसे मैंने वैक्सीन लगवाई और कैसे प्रिया के यहाँ क्या हुआ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वो देखिएगा आप लोग। तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं।